ठीक है, ये गाड़ी का मैंने सर्विस करवाया, आपने जो आपकी रॉयल एनफील्ड की सर्विस ऑन व्हील आती है उसमें, ठीक है। इस वीडियो में पूरी डिटेल आपसे शेयर करूंगा कि कैसे वो लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा है, थोड़ा अच्छी से बने रहे वीडियो पे। आप वीडियो स्किप कर देते हो तो क्या, फिर आप वही चीज़ मेरे को कॉमेंट में पूछते हो, ठीक है। तो मैंने कॉस्टिंग पार्ट्स की भी बात की है, कॉस्टिंग की बात ये वीडियो जो पूरा जाएगा तो मैं उसमें करूंगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अपने अभी वीडियो में मिलो, क्या एंड के वक्त में आपको इसकी कॉस्टिंग की बात कर लूंगा। सर्विस कराने वाले जो रॉयल एनफील्ड की बिल ऑन सर्विस वो आती है, क्या बोलते हैं सर्विस, वो मैं ले रहा हूँ। इसमें आपको सर्विस में क्या करते हैं वो दिखा दूंगा, ये फर्स्ट सर्विस है गाड़ी की, और क्या क्या बदलते हैं, फिर कॉस्टिंग है, सब है लास्ट में वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। बने रहे वीडियो पे, तो मैं आप तक की डिटेल शेयर करते जाऊंगा। सर्विस में पूछ लेते हैं, आप सर्विस से पहले क्या करोगे? सबसे पहले तो मतलब बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं वो हाँ हुए फ्यूज चेक हो गया, फर्स्ट हाँ सर्विस में तो ज़्यादा कुछ है तो नहीं, हाँ दिक्कत आता है नहीं, नहीं। छोटा मोटा फ्यूज वगैरह है वो सब वो चेक कर। ओके, अभी अपने फ्यूज चेक कर रहे हैं। फ्यूज जुड़ जाते हैं क्या हम क्लियर कर सकते गई? इसमें ये फ्यूज है गाड़ी के, ठीक ये जो बाकी फ्यूज आते हैं भी चेक करते हैं, सब सारे फ्यूज चेक करेंगे, ये सारे फ्यूज वन बाय वन सब चेक करते हैं। अगर कोई फॉल्ट लगा तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसको। अब ये इसका एयर फिल्टर साफ करेंगे, दिखाता हूँ आपको एयर फिल्टर कैसे खोलते हैं इसका। इसका एयर फिल्टर खोल रहे हैं, ये हिमालय का ही, अपने फोर व्हीलर में भी इसके ही आते हैं एयर फिल्टर। अभी तो उनका ज्यादा चली नहीं इसलिए गंदा है नहीं। जैसे निकाला इसको वापस ऐसे से अंदर लगा देंगे। कम कवर कवर खत्म हो गया था। हाँ मोबाइल तेरा मेरे पास है, हाँ मेरे पास है। ये फिल्टर का काम पूरा बराबर, ब्रेक की प्ले कितनी होनी चाहिए और चैन में 20 से 22 mm चैन भी बराबर, मतलब ये चेक चेक होती है अपने सर्विस में, तो ये चेक होते जा रही है। अब क्या करोगे चेक इसमें? इस पेड़ अब देखते हैं, अंदर पंचर टायर में पंचर चेक होता है, पंचर कंपनी से मैंने ट्यूबलेस वाली ली। टायर ओके है, इसे सेम आगे भी थोड़ा उधर से छोटू, हाँ ओ ओ दबाओ ऊपर से पकड़ के, हाँ, दबी नहीं रही मेरे से। हाँ बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बस ये सब टायर चेक हो रहा है, डिस्क का ऑयल चेक हो रहा है। ओके बैटरी लास्टिंग करते हैं, ओ डॉट फोर है, डॉट फोर
पीला आता है, पीला क्या व्हाइट में भी आता है, लेकिन डॉट फोर है। ये क्लच एडजस्ट कर रहे हैं, केबल टाइट करो ढीली कर रहे हो, टाइट करनी है, थोड़ी ही प्ले होनी, ज्यादा ढीली होगी तो तकलीफ आती है ना। 203 mm रखना है बस। स्पार्क प्लग निकालेंगे, स्पार्क प्लग स्पार्क प्लग साफ हो जाएगा, तो उसके बाद इसको फिर जैसे निकाले थे ना तो साफ कर दिया, ये ऊपर लगा देंगे। इसमें कितना कब 0.7 से 0.8 मतलब सिक्के के बराबर होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इसको फिर लगा देते हैं वहाँ पर। ये प्लग वापस लगा देंगे, ये ऑयल निकालेंगे। या दो तीन जगह से वो निकलता है, एक जगह से चल जाता था, तीन जगह से यहाँ से निकलेगा। एक नंबर का बोलते हैं, 12 नंबर यहाँ से आएगी। हाँ तो ये दिख रहा हूँ, नहीं सब कचरा है, नया इंजन होता है तो निकलता ही है। अपने ये वाला ड्रेन रख लगा देंगे वापस, अब ये दूसरा वाला यहाँ से निकल गया। वो कितने नंबर का है, वो कितने नंबर का है, 8 mm के दो बोल्ट खोलेंगे वहां से, मतलब ये बाकी गाड़ियों के कंपेयर में यहाँ पे ऑयल तीन जगह से निकलता है, बाकी सब गाड़ियों में क्या एक बोल्ट खोल दो तो काम हो जाता है। यही एक चीज में जो हार्ड बनती है बाकी गाड़ियों में से, बाकी सिंपल जो गाड़ियां वहां पे एक ही ऑयल से काम हो जाता है, या नीचे कैप जैसा सिस्टम है। एक कैप खोलेंगे तो इसमें से, अच्छा ये ऑयल फिल्टर क्या, हाँ सक्शन फिल्टर, ये लगाता क्या, सक्शन फिल्टर है जो ये साफ करते हैं, बस इसमें ये रिप्लेस कर। का जो जेनुअन आता है लोग यूज कर रहे हैं वो है 2.5 लीटर का आता है, MRP 800, कितना 2 लीटर 300 ग्राम, ठीक है, और 2899 का आता है, ठीक है, ये जो अपने सर्विस 15, हाँ बोलना भूल गया, इसे 15W50 डलता है, कंपनी ये यूज़ करती है, ये इसका एयर फिल्टर और ये जो सक्शन फिल्टर लोन बदला था, ठीक है, ये चीज़ सर्विस में बदलेगा।
अभी सक्सेस फिल्टर जैसे यहाँ से तो 2-8 मिनट वो बोल खोल के निकाले थे इसको, ऐसे लगा देंगे। थोड़ी इसकी वेबसाइट जो सर्विस वो क्लिक की है, ये लग जाएगा, उसके बाद हम इसका ऑयल भर देंगे, बलून टाइट कर लेने ध्यान करके, ये तो हो जाएंगे। अब इसका ऑयल फिल्टर खोलेंगे, सब निकाल निकाल के, ये इसका ऑयल फिल्टर है। यार ये इसका नीचे ओ ऑयल फिल्टर, ये खराब नहीं, बदल हर सर्विस में बदलना पड़ता है जब। तो कवर वर सब हमेशा एक ही रहता है, इसे सब खोले थे, ऐसे से इसको सब फुल टाइट कर देते हैं, ये पूरा टाइट। यहाँ भी ऑयल डाल दे क्या? नहीं, ये किसके लिए? हाँ हाँ, ऑयल लाते हैं बैरल में से भर के लेके आते हैं, ये पूरा फिर से ऑयल पूरा डाल देंगे। वो पुराना वही ले जाएंगे आप, नहीं मेरे को नहीं चाहिए यार, ऑलरेडी बहुत पड़े हैं, ये काम अपना ऑलरेडी सर्विस पूरी भी बाकी है, हो गया ये अपने इसकी चेन साफ करेंगे गाड़ी की, पहले इसको चालू करके ठीक हो गया। अब ये हम लोग इसको लुब्रिकेट करेंगे, चैन क्लीनिंग का अभी दूसरी प्रोडक्ट है, चैन लुब्रिकेशन, इसको लुब्रिकेट करेंगे आप। ये वाली पहली थी क्लीनिंग वाली, ये आपकी मैनुअल भी आती है, कर सकते हो देखा, ज़्यादा ओपन चेन होने की वजह से थोड़ी तकलीफ आती है इसके क्लीनिंग और इसकी लुब्रिकेशन, बाकी जो कंपेयर दूसरी गाड़ियाँ जो क्लोज वाली आती है उससे ज़्यादा करनी पड़ती है। पूरा डन हुआ, ये काम हो गया, देखो ये लुब्रिकेट हो गई, बाकी पार्ट्स भी कर देते हैं लुब्रिकेशन में, एक ठीक हो गई, सारे पार्ट से लुब्रिकेट करते हैं अपने सर्विस में। इसमें दो आता है, आगे चालू करने और नीचे ब्लॉक मारने वाला है पूरा सिस्टम, चलो
सर्विस पूरी हुई। इसमें देखो क्या क्या हुआ, पहले तो फ्यूज चेकिंग हो गई, बैटरी चेक हुई, ऑयल वॉयल बदले, सब हुआ। ये पूरी सर्विस थी पूरी, ठीक है। अभी मैं आपके साथ कॉस्टिंग की बात कर लेता हूँ, जो बिल मेरा हाथ में आता है। गाड़ी की अपनी सर्विस डन हुई, मिलते हैं अपने आगे वाले वीडियो में। सर्विस हो गई, सर्विस में इन्होंने मेन एक ऑयल बदला, उसका लिया 920 रुपया, ठीक है। जो चैन क्लीनिंग की, चैन क्लीनिंग का ये लोग अलग से लेते हैं, तो इन्होंने इसका लिया 250 रुपया, ठीक है। सर्विस फ्री थी तो टोटल मिला के हुआ 1170 रुपया। 1170 रुपया इसकी टोटल कॉस्ट है, अगर आप सर्विस ऑन व्हील करते हो इसकी जो सर्विस। तो यही सेम चीज़ आपको वहाँ भी पड़ने वाली सर्विस स्टेशन में। सर्विस स्टेशन में प्लस चीज़ें क्या रहेगी, आपकी जो गाड़ी है धुल जाएगी, ये चीज़ यहाँ धुल नहीं सकती आप। लेकिन आप जब सर्विस स्टेशन में अगर गाड़ी लेके उधर कभी जा रहे हो तो ऑन द स्पॉट आपको धोके गाड़ी दे देंगे, ठीक है। ये इसकी सर्विस ऑन व्हील की मैंने बारे में बताया, ठीक है। सर्विस काफ़ी अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता है तो, ठीक है। ये मैंने ऐसा किया है, ठीक है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करना, कोई चीज़ रह गई हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो मेरे को, ठीक है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।